मेरे भैया भाभी बहुत ही जल्द वापस से पंजाब जाने वाले हैं, तो इनको वहाँ पे ले जाने के लिए हमने अपने पुराने घर से बहुत सारा नारियल लाया था। पर अब नारियल तो ट्रेन में नहीं ले जा सकते, तो क्यों ना लड्डू ही बना के भेजते। अब यहाँ पे मैं नारियल कट करने लग चुका हूँ, जिसको काफी टाइम का मेहनत करने के बाद मैंने लगभग 10-12 नारियल तो कट कर लिया। और इतना में हमारे घर के सामने मुर्गी व्यापारी आ गया, यानी कि ये भाई साहब हम सभी लोगों का मुर्गी खरीद के ले जाते है और मार्केट में सेल करते है। ये देखो हमारी मम्मी के साथ साथ बहुत सारे लोग अपना अपना मुर्गी लेके बैठे हुए है। और फिर ऐसे ही करते करते रात हुआ तो तुम्हारी भाभी सारा नारियल मिक्सी में पीसने के लिए छोटा छोटा करके कट कर रही है। वैसे भुक्कड़ भी कुछ ज्यादा ही है। फिर सुबह होते ही मम्मी इसे चीनी में मिला के आग में भूनने लगे, क्योंकि भूनने के बाद ही हमारा लड्डू कुछ इसी टाइप से बन पाएगा। वैसे यहाँ तो मम्मी और बड़ी भाभी चावल का लड्डू बना रही है, तो ये देखो फाइनली हमारा नारियल का लड्डू बन के रेडी हो चुका है। और देखो तो सही कितना ज्यादा बना है, तो क्यों ना टेस्ट भी किया जाए। और तुम्हारी भाभी मेरे लिए लेके भी आ चुकी है, लेकिन सबसे पहले तो हम चाय का ही चुस्की लेंगे। नारियल का लड्डू, चावल का लड्डू,